अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शम्स चैनल्स। आज मैं कुछ मटन ग्रेवी बनाने वाली हूँ होटल स्टाइल में, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। जिसको बाहर का फूड बहुत पसंद है वो घर में ट्राई करें, ये स्पेशली बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने मटन को वॉश करके रख लिया है और यहाँ पर मैंने 2 ऑनियन को पीस कर मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। यहाँ मैंने 3 टमाटो को प्यूरी बना लिया है। ये मेरा होममेड ग्रेवी मसाला है। यहाँ मैंने नींबू के रस में 1 फूल, 3-4 लौंग और शाहजीरे को रख लिया है। यहाँ मैंने हंडी वाला स्टाइल में बर्तन लिया है। आप भी हंडी, कुछ हंडी टाइप में रहेगा तो बनाना, मिट्टी के बर्तन में भी बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। यहाँ मेरा गोल्ड पतीले कुछ नहीं था तो मेरा कुकर था तो मैंने वो यूज़ किया है। यहाँ मैंने सारे कच्चे मसाले यूज़ किए हैं अभी। और मैंने गोश्त डाल दिया है, मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है। यहाँ मैं डाल दी हूँ ऑनियन का पेस्ट। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी डाल दिया है मैंने। यहाँ मैंने नींबू के अंदर जो मेरे खड़े मसाले को यूज़ किया था मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। यही एक यूनिक चीज़ है क्योंकि मैंने नींबू के रस में खड़े मसाले को भिगो के रखा था। यहाँ मैंने 4 ग्रीन चिलीज लिया है, वो भी मैंने डाल दिया है। यहाँ मेरा होममेड ग्रेवी मसाला डाल दिया है मैंने। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं ये होममेड ग्रेवी मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट मैंने डाल दिया है हसबी जेल। आपको पानी डालना है इसके अंदर, आपको जितना पानी चाहिए आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आपको ग्रेवी, आपका गोश्त गले जितना गलने तक हमको, मैंने इधर 2 कटोरा पानी लिया है। अब हम इसे रख देंगे स्टोव पे 3-4 विसल आने तक, आपके गोश्त के हिसाब से आप इसको गला सकते हैं। मैंने इधर 4 विसल ले लिया है, पानी बहुत है। मैं इसको अच्छे से सूखने तक इसको अच्छे से भूनूंगी। मसाले को अच्छे तरीके से भून चुके, रेडी हो चुका है मेरा ढंडन। यहाँ देख रहे हैं आप मेरा ग्रेवी कितना थिक है और गोश्त बहुत माशाल्लाह गल चुका है मेरा। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करें आप घर पर। नाउ वॉच के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।